हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और श्रुति राज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड चॉकलेट सॉस बनाने की रेसिपी। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 40-40 रुपीज़ के दो डेरी मिल्क चॉकलेट। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसमें 1/2 कप फुल क्रीम मिल्क डालेंगे। अब हम दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये चॉकलेट सॉस, जिसको कि हम चॉकलेट सिरप भी बोलते हैं, आप इसे 5 मिनट में झटपट घर पे बना सकते हैं। दूध को मैंने इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम इसमें डेरी मिल्क चॉकलेट डालेंगे। चॉकलेट को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। अब हम चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट होने तक दूध में मिलाएंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ रखा है। मैं चॉकलेट सॉस बनाने के लिए डेरी मिल्क चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ। आप डेरी मिल्क चॉकलेट की जगह कोई भी डार्क चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्स ना हो। हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। चॉकलेट और मिल्क अच्छी तरह से मिल गया है, इसमें कोई लम्स भी नहीं है। अब हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है बटर। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच बटर डाला है। अब हम बटर को भी चॉकलेट सॉस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप बटर की जगह पे 1 चुटकी नमक का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, बटर भी अच्छी तरह से चॉकलेट सिरप में मिक्स हो गया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल कम समय में ये देखिए कितनी बढ़िया चॉकलेट सॉस बनकर रेडी हुई है। अब आप इस इजी मेथड से घर पे ही चॉकलेट सिरप को बनाइए और इसे 2 से 3 वीक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस चॉकलेट सिरप को आप चॉकलेट केक, पैनकेक या फिर चॉकलेट शेक बनाने में यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।